दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश इस समय कोरोना वायरस की वजह से महामारी जैसी आपदा से जूझ रहा है। दोस्तों, इस आपदा में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वह हमारे देश का गरीब और मजदूर वर्ग है। दोस्तों, जो मजदूर वर्ग हैं, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, आज उनके मजदूरी करने के लिए कोई काम नहीं है, जिससे उनकी कोई आय भी नहीं हो रही है। हमारे देश के मजदूर भाई बहन कहीं दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं, तो दोस्तों, उनके पास कोई खाने के ज़्यादा साधन नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस महामारी से काफ़ी दिनों तक लड़ना पड़ेगा, ऐसे में सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आपातकालीन समय में मजदूर और गरीबों को भूखा ना रहना पड़े। दोस्तों, ऐसे समय में हम और आप सभी लोग मिल करके आगे हाथ बढ़ा करके इनकी मदद करें। दोस्तों, इन सभी की मदद आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो स्क्रीन पे, हमने भी 5,000 रुपए की मदद की है। इसके लिए दोस्तों, आपको PMNREF की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों, इसमें आप अगर 100 रुपए भी देना चाहते हैं, तो 100 रुपए से ही मदद कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आपका पेमेंट कट जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा और आपको एक रसीद मिलेगी। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस समय में गरीब और मजदूरों को आप जितना कर सकते हैं उतना दान करिए। दोस्तों, आपकी मदद से किसी गरीब को खाना मिलेगा, तो इस आपातकालीन समय में उसकी देखभाल हो सकती है। दोस्तों, कोरोना से तो पता नहीं, लेकिन भूख से एक भी व्यक्ति को नहीं मरने देना है। दोस्तों, ये मत सोचिए, ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। इस आपातकालीन समय में गरीब और मजदूर की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है। दोस्तों, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, और इस समय हम सभी को मालूम है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं। जितनी वस्तुएं खाने पीने की हैं, उसके सभी के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए मुनाफा कमाने का ये मौका है। ऐसे में हमारे गरीब और मजदूर भाइयों को और भी बोझ पड़ेगा, और मैं फिर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान दें। और दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, और बुजुर्ग वर्ग का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।